अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फीड एंड फार्मिंग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कनोला मील। कनोला एक कैंडिडेट सीड है जो कि हम कुछ प्रोसेस के बाद उसमें से ऑयल निकाल कर हम जो हासिल करते हैं, जो मील हासिल करते हैं वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, तो उसे हम मील कहते हैं। तो इस तरह हम कनोला मील हासिल करते हैं। असल में ये तोरिया की ही किस्म है जिसे हम रेपसीड कहते हैं, पर रेपसीड में जिस तरह के बहुत से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, कुछ मदर सेहत अज्जा होते हैं जो कि आपके जानवर या परिंदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हम अपनी फीड में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। या तो फिर अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे ये होगा कि आपका जानवर या परिंदा वो चीज़ खाना छोड़ देगा या कम कर देगा, फीड इनटेक कम कर देगा। तो उसको हमने कम करने के लिए ये डबल ज़ीरो वैरायटी, इसमें ये जो मदर सेहत अज्जा होते हैं वो कम कर दिए हैं, और उसका नाम हमने कनोला मील दे दिया है, और उस क्रॉप का नाम हमने कनोला मील दे दिया है। तो कनोला मील की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और कुछ फिज़िकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप कुछ भी जब भी ये परचेज़ करें या अपनी फीड या अपने जानवर को देने से पहले आपको इस चीज़ का आपको आइडिया हो कि ये जो भी चीज़ मैं डाल रहा हूँ इसे मेरे जानवर को क्या फ़ायदा होगा, और आया कि जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की भी है या नहीं। तो आज हम बस इसकी बेसिक्स और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, और बाकी जो कुछ भी डिटेल हो तो मैं आइंदा किसी भी वीडियो में आपसे ज़िक्र करूँगा, और वो कोशिश करूँगा कि आपको कुछ बता सकूँ। तो पहले हम इसके डिस्कस करते हैं कि इसकी जो सी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर आप जब परचेज़ करें तो आपको इस बात के आपको पता हो कि आप क्या परचेज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब आप कनोला मील देखेंगे, इसका जो टेक्सचर होगा वो होमोजेनाइज होगा, यानी कि यकसा किस्म का होगा, और उसके में कलर जो होगा वो लाइट होगा, येलो जिस तरह आप वीडियो वगैरह में देख रहे हैं, और यूनिफॉर्म होगा। और उसमें कुछ अगर हम कहते हैं कि उसकी जो बदबू है, जो स्मेल है वो फ्रेश होगी, यानी कि उसमें कुछ ये नहीं होगा कि उसमें जलने की जैसी बदबू आ रही है या कुछ किस्म की आ रही है, पर वो फ्रेश स्मेल देती है। और आप किसी भी पर्सन से अगर आप जो कनोला मील ले रहे हों तो परचेज़ कर रहे हों, तो आप मेक श्योर हों कि उसमें किसी किस्म की उसने मिक्सिंग या अडल्ट्रेशन नहीं की हो। यानी कि बहुत से लोग यूरिया ऐड कर देते हैं ताकि उसकी प्रोटीन हम बढ़ा सकें, या बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर देते हैं, साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ सीड्स होते हैं जो बर्न हो जाते हैं या कुछ मोल्ड हो जाते हैं, वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते अपनी फीड में। तो कुछ अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उस सीड को ग्राइंड करके उसी मील में यूज़ कर देते हैं, तो जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन एट द एंड हमारे जानवर या परिंदे को नुकसान होता है। तो आप जब भी परचेज़ कर रहे हों तो इन चीज़ों के बारे में लाजमी ख्याल रखें। और उसके बाद अब हम ज़िक्र करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता हो कि हम जब अपने जानवर या परिंदे को दे रहे हैं तो वो ये हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो सी जो मॉइस्चर होता है जो सा कनोला में, वो 10-12% होता है, यानी इसमें जो नमी होती है वो 10-12% होती है, और जो उसका जो ड्राई मैटर होता है या वो होता है 90 तो इसके अराउंड उसका ड्राई मैटर होता है। और इसमें जो मेन जो सबसे अहम चीज़ जो है, जो हम कनोला मील हम क्यों इसमें प्रेफर करते हैं, वो है इसकी प्रोटीन, क्योंकि ये इसमें जो प्रोटीन होती है वो 39, 37, 38 और इवन 40 तक भी होती है। तो अच्छी सीड की कनोला
तो जैसे तो और इसमें फैट जो सी है, क्योंकि हम इसमें से ऑयल वगैरह हम निकाल देते हैं, तो इसमें जो सा ऑयल होता है वो बहुत कम होता है, वो 1 या 1.2 आलमोस्ट इतना होता है। और इसमें में पर इसमें जो फाइबर होता है, फाइबर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है, वो 11% तक होती है। और जो इसमें जो एनर्जी है, जो मेटाबोलाइज एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि वो पर केजी के हिसाब से हम निकालते हैं, वो इसमें 1900 से 2000 तक होती है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। और कुछ इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको जो मज़रे सेहत होते हैं, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे मज़रे सेहत रेपसीड या तोरिया में मौजूद थे, जिसकी वजह से उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे, उसे हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो न्यूट्रिशन के खिलाफ काम करें, उसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहते हैं। तो हम इसमें बहुत से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं, पर जो नॉर्मली आज हम दो के बारे में बात करते हैं, ग्लूकोसिनोलेट और रूसिक एसिड, जिसकी वजह से इसको 00 वैरायटी का नाम भी दिया गया है। तो क्योंकि इसमें ये जो से दो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, मज़रे सेहत अज्जा हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, जो कि जानवर या परिंदे को इतना अफेक्ट नहीं करते। तो अगर इसमें क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा, अगर किसी ना की वजह से ये क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाए किसी अडल्ट्रेशन की वजह से, तो उससे आपके जो से जानवर हैं या परिंदा है वो उसमें उसका FCR रिड्यूस हो जाएगी, उसको फीड इनटेक लेना बंद कर देगा, उसकी एग प्रोडक्शन कम हो जाएगी या उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी या उसके मिल्क में स्मेल से आने लग जाएगी, तो या उसके एग्स के अंदर स्मेल से आने लग जाएगी। तो ये मुख्तलिफ से ये चीज़ें जो सी होती हैं जो आपके बर्ड में असर अंदाज होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद आज के लिए इतना ही बहुत है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये मेरी पहली कोशिश है।